संयुक्त किसान मंच की बैठक शिमला में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न किसान संगठनों द्वारा हिस्सा लिया गया। पिछले कुछ समय से सेब के दामों में आ रही गिरावट के बाद सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की रूपरेखा इस बैठक में तय की गई। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तनवर ने बताया कि भारत सरकार 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, लेकिन प्रदेश में उत्पादित एक भी फसल पर समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश में टमाटर, अदरक व अब सेब के बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब की बंपर फसल हुई है, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बिना दाम गिर गए हैं। आज शिमला में कालीबाड़ी हॉल में किसान संवाद रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न किसान संगठनों ने मिल करके मार्च के महीने में संयुक्त किसान मंच बनाया था, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा का जो घटक हिमाचल प्रदेश में किसान सभा है वो मुख्य रूप से उसके अंदर शामिल है और अन्य 12 संगठन उसके अंदर है। और आज हिमाचल प्रदेश में हमें देख रहे हैं कि जो भारत सरकार 23 चीज़ों के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, उसमें हिमाचल प्रदेश में जो हमारे मुख्य उत्पादन है, जिसमें सब्जियां हैं और फल है, उसमें किसी में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। और उसका परिणाम ये है कि इस वर्ष के अंदर हमने देखा कि शुरुआती दौर में जो सिरमौर के अंदर अदरक पैदा हुआ, उसके बाद वहाँ पर जो लहसुन पैदा हुआ और आज जो टमाटर और जो फूल गोभी पैदा हुई जो शुरुआती दौर पर, उसमें ऑलमोस्ट नो रेट था, क्योंकि उसमें कोई भी समर्थन मूल्य या सरकार की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश की जो हमारी आर्थिकी है वो सेब उत्पादन के ऊपर इसलिए निर्भर है कि हमारे 45 ब्लॉक में लगभग हिमाचल प्रदेश में 4 लाख से और 9-10 लाख मीट्रिक टन सेब पैदा होता है, और ये कोई 5,000 करोड़ रुपए की जो इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश में, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे जनरेट होती है। और आज कई कारणों से जो बेमौसमी हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी हुई, उसके बाद जो ओलावृष्टि हुई, उसके बाद जो सूखा पड़ा, उसका जो प्रभाव पड़ा सेबों के ऊपर, प्रोडक्शन अच्छी है मगर जिस स्तर के ऊपर सरकार को जम्मू कश्मीर की तरह या उत्तराखंड की तरह हस्तक्षेप करना चाहिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं किया। HPMC जो MIS के तहत 9.5 रुपये में सेब खरीदती है, पहले तो वो इतना कम रेट है कि, और उसके ऊपर भी जो लगभग 50-55 करोड़ रुपए का वो सेब खरीदती है, वो 1-2 साल तक उसका भुगतान भी नहीं करती है। इस तरह उन सभी मुद्दों को लेकर के कि जो हिमाचल प्रदेश में जो उत्पादन है और विशेष रूप से जो सेब है, फल है, सब्जियां हैं, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। और आज भारतवर्ष में केवल एक ऐसा राज्य है जो केरल प्रदेश है, जहां पर इस समय 16 सब्जियों और फलों के ऊपर राज्य सरकार ने अपने स्तर के ऊपर वहां पर एक न्यूनतम एक समर्थन मूल्य दिया है कि जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और 20% का उसके अंदर मुनाफा है, उस मांग के बारे में एक सांझी समझ बनाते हुए और आने वाले समय में हिमाचल सरकार के ऊपर एक पूरा दबाव बनाने के लिए आज ये किसान संवाद रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।